Students, this is your SST book, and in today's class we will read and revise the chapter number 14, our occupation. Our occupation में हमने read किया था कि जो भी हम अपनी life की जो need होती है उनको fulfill करने के लिए कुछ work करते हैं, और उस work करने से हमें कुछ money मिलती है, और उस मनी को ही हम अपनी इनकम कहते हैं, और उस इनकम से हम अपने लिए फूड खरीदते हैं, क्लॉथ्स खरीदते हैं, और भी अपनी जो भी नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट करते हैं. कुछ वर्क्स जो होते हैं वो हमारी स्किल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे ये ऑक्यूपेशन है, कुछ टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, और कुछ पीपल जो है वो ऑफिस में वर्क करते हैं. यहाँ पे कुछ वर्क्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है हमारे फार्मिंग. फार्मिंग जो है हमारे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि बहुत सारे जो पीपल हैं हमारे इंडिया के वो कंट्री में हमारे जो कंट्री के हैं वो विलेज में रहते हैं, इसलिए मेन ऑक्यूपेशन हमारा जो है वो फार्मिंग है. फार्मिंग में ग्रेन्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स ग्रो किया जाता है. अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, सुगर कैन, जूट, टी, स्पाइसेस एसेट्रा. और आज के दिन अब जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्रॉप्स को उगाना बहुत ही अच्छा, मतलब कि बेटर हो गया है. और वो किस वजह से हुआ है? बेटर टूल्स की वजह से, और बेटर फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई की जो व्यवस्था है उसकी वजह से. क्योंकि पहले या तो हम मानसून पे डिपेंड रहते थे या रिवर्स के पानी से ही सिंचाई होती थी. अब क्या है कि सीधे हम बोरवेल लगाते हैं और अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे हम इरिगेशन करते हैं पंप के थ्रू. और बेटर टूल्स आ गए हैं जिससे कि खेतों में बीज बोने के लिए और उसमें प्लगिंग करने के लिए उस अच्छे तरीके से हम मशीनों का यूज़ करते हैं. ठीक है. और बिट्स एंड बाइट्स में हमने रीड किया था कि उत्तर प्रदेश जो है उसका हाफ ऑफ कंट्रीज का जो शुगर है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है, और शुगर इंडस्ट्री जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल को जॉब प्रोवाइड करती है, यानी लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड जॉब मिलती है इस मिल से, शुगर मिल से. कुछ ऑक्यूपेशन हमारे फार्मिंग से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल कैटल रेयरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग. कैटल रेयरिंग जो है वो मिल्क के लिए कैटल को पाला जाता है, और इस कैटल में आते हैं हमारे काउज, बफेलोज एंड गॉड्स, और उनसे जो बुलक्स मिलते हैं काउ से वो हमें हमारे फील्ड में प्लॉग करने के लिए, खेत को जोतने के लिए उनको यूज़ किया जाता है. और शिप जो है वो हमें वुल प्रोवाइड करती है, और एनिमल लाइक फिश एंड गोट जो है वो हमें मीट प्रोवाइड करते हैं. इनको जो फीडिंग के लिए जो चाहिए होता है, चारा चाहिए होता है, वो हमें कृषि से ही मिलता है. तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सारा फार्मिंग पे ही डिपेंड है. तो पोल्ट्री फार्मिंग भी ऐसा ही एक अनदर ऑक्यूपेशन है जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, और ये इन बर्ड्स से हमें मीट और एग्स मिलते हैं. और फार्मर जो है वो अपना फार्मिंग भी करता है, साथ में ये पोल्ट्री फार्मिंग को भी ये अपने खेती के काम के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग का भी वर्क कर सकता है. तो यहाँ पे जो पोल्ट्री फूड जो होता है मेनली वो मैज, बीट्स, जवार और दूसरे ग्रेन्स होते हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं. तो फार्मिंग हमारे जो है ऑक्यूपेशन भी प्रोवाइड करता है. जैसे कॉटन मिलता है वहाँ पे, तो कॉटन क्रॉप फार्मर क्या करता है, कॉटन को सेल करता है, उसको स्पन करके यार्न बनाया जाता है यानी धागे बनाए जाते हैं, और धागों को, यार्न को वुवन किया जाता है, वेव किया जाता है जिससे क्लॉथ बनते हैं. गन्नी बैग्स जो हैं वो बहुत सारे जो
गुड्स होते हैं उनको पैक करने के लिए जरूरत होती है, तो ये हमें जूट से मिलते हैं और यही बैग्स जूट से हम बैग बनाते हैं, रॉप्स रस्सियां भी बनाते हैं। सुगर कैन के प्लांट से हमें, सुगर कैन प्लांट जो गन्ना होता है उससे हमें जैगरी और सुगर मिलती है। बहुत सारे ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, इनसे हमें कुकिंग ऑयल मिलता है। फार्मिंग जो है वो उनसे हमें टी लीव्स मिलते हैं जो प्रोसेस करके पैकेज किया जाता है और पैक करके हम तक पहुंचाया जाता है इसे। कॉफी बीन्स को भी ड्राई करके रोस्ट किया जाता है और फिर उसे क्रश करके कॉफी पाउडर बनाया जाता है और जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। वेरियस स्पाइसेस जो है ग्रो किए जाते हैं, यानी बहुत सारे मसाले भी ग्रो कर किए जाते हैं और जिसकी बहुत ही डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये हमारे फूड को स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे फूड को टेस्टी भी बनाते हैं, इसलिए इनकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। आगे आता है आपका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। तो प्लांट को लगाना और उनकी केयर करना फॉरेस्ट्री कहलाता है। और कुछ पार्ट हमारी कंट्री का जो है वो बहुत ही घने जंगलों से ढका हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को जो ये घने जंगल हैं ये एक जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो लोग वहाँ पे जो लगाए जाते हैं वो उनको कट करने के लिए, फॉरेस्ट को कट करने के लिए लगाया जाता है। और ये ऑक्यूपेशन जो है लम्बरिंग के रूप में जाना जाता है, लम्बरिंग के नाम से जाना जाता है। और फॉरेस्ट से जो हमें ऑक्यूपेशन मिलता है वो जो ये वुड कटिंग का काम होता है, उससे वुड कटिंग तो है ही, साथ में वो उस वुड को जो कट किया जाता है उससे कर्टन्स बनाए जाते हैं, कार्टून्स बनाए जाते हैं, यानी डब्बे पैकिंग के लिए बनाए जाते हैं, डोर्स बनाए जाते हैं, विंडो खिड़कियां बनती हैं, कार्डबोर्ड बनते हैं, पेपर्स बनते हैं। और वहाँ से फॉरेस्ट से गम जो प्लांट होते हैं उनसे गम इकट्ठा किया जाता है, रेसिन एंड रबर वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। आगे आता है मैकिंग मेच, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स वो जो माचिस जो जिसे कहते हैं उसी उसके लिए, जो उनकी तीलियों के लिए जो लकड़ी होती है वो भी यही फॉरेस्ट से मिलती है। आगे आपका है फिशिंग। फिशिंग भी एक ऑक्यूपेशन है जो ओशन के पास में रहते हैं, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग ही है। फिश को पकड़ते हैं और उसी से ही, उसी को सेल करके वो अपने घर का खर्च चलाते हैं। और ये जो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, ये लोगों को फूड तो देते ही है साथ में जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग जो लेक या रिवर से दूर रहते हैं तो इनका अलग से इनका कल्टीवेशन किया जाता है फिश का, और वो पॉन्ड बना करके कमर्शियल पर्पज से इसको यूज करते हैं, तो इसको पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो फिश से हमें ऑयल मिलता है, फिश ऑयल मिलता है, और फिश को टिन फूड में हम पैक करके सेल भी करते हैं, जहाँ पे ये मिलती नहीं है फिश वहाँ पे इनको भेजा जाता है। नेक्स्ट माइनिंग है। माइनिंग अर्थ के अंदर से मिनरल्स को निकाला जाता है, डिग किया जाता है, खोदा जाता है, फिर निकलते हैं। और बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि कॉयल है, कॉपर है, पेट्रोलियम है, माइका है, ये सब हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। और अर्थ जो है हमारा रिच सोर्स है मिनरल्स का, और यही मिनरल्स जो है लोगों को, और जब हम इनको निकालते हैं तो जब निकालने के बाद भी ये मिल्स में जाते हैं, यानी कम फैक्ट्रीज में जाते हैं, तो ये और लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ये मिनरल्स के लिए अदर ऑक्यूपेशन क्या है, ये रिफाइनिंग एंड मिनरल्स टू गेट मेटल। रिफाइनिंग मिनरल्स को रिफाइन किया जाता है जिससे मेटल मिलता है। मेकिंग थिंग, इनसे चीज़ें बनती हैं जैसे कि बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल की फैक्ट्री में लोगों को जॉब मिलती है। ट्रैक्टर बनेगा जहाँ पे, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी। इसी मेटल से ही ये सब चीज़ें बनती हैं। स्विंग मशीन है जो फैक्ट्री होगी वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा। रेल कोचेस बनते हैं इसके, तो जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे भी लोगों को जॉब प्रोवाइड होगी। ऐसे ही अदर ऑक्यूपेशन है दूसरे,
सिटी एरियाज में ऑफिस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, बैंक्स होते हैं, ये भी यहाँ पे भी लोग अपने अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग लोगों को जॉब मिलती है और वो सैलरी बेसिस पे यहाँ पे वर्क करते हैं। कुछ बिजनेस शॉप्स भी होती हैं जो यहाँ पर होती हैं, और यहाँ पे और भी पॉलिटिशियंस हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, पायलट हैं, और भी अदर लोग हैं जो इस ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं। और ऑक्यूपेशन अगर हम इसकी लिस्ट तैयार करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये हमें इतना अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्यूपेशन होता क्या है और ऑक्यूपेशन किस चीज़ के से रिलेटेड है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैक एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे।